आइए आज हम स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। कह रहा है जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो एनिमल दिए गए हैं जीव दिए गए हैं वो अपनी किस पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी से रिलेटेड है, मतलब जो जिसमें सही तरीके से है उसको बताना है। चार में से एक सही है, बाकी तीन गलत है। तो 16 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। कटल फिश जो है ये मोलस्का से संबंधित है और मोलस्का क्लास है। तो जो कटल फिश है मोलस्का से संबंधित है और एक क्लास है। अभी जब हमने एनसीईआरटी पढ़ी है तो ये सब चीजें आई हैं, हाउस फ्लाई, ह्यूमंस, कटल फिश, पूरा एक टेबल बनी हुई थी उसमें सारी चीजों के बारे में बताया गया था। तो जो एनसीईआरटी में दी गई हैं बस वही चीजें हमको याद रखना। तो 17 का ए वाला ऑप्शन हमारा सही है, रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो स्पीसीज है ये वास्तविक सबसे आधारभूत इकाई है हमारी वर्गीकरण की। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो स्पीसीज इज ए नेचुरल पॉपुलेशन आर ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल व्हिच आर जेनेटिकली डिस्टिंक्ट एंड रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड विद सिमिलर इसेंशियल मार्फोलॉजिकल ट्रेट्स। तो ये कह रहा है कि जो स्पीसीज है हमारी ये प्राकृतिक जनसंख्या है, पॉपुलेशन समष्टि जिसको बोलते थे, या ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल व्हिच आर जेनेटिकली डिस्टिंक्ट एंड रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड विद सिमिलर इसेंशियल मार्फोलॉजिकल ट्रेट्स। या फिर ये कह रहा है कि ये प्राकृतिक जनसंख्या का एक ग्रुप है जिसमें इंडिविजुअल है मतलब व्यक्तित्व विशेष है विच आर जेनेटिकली डिस्टिंक्ट, जो जेनेटिकली मतलब उनका जीन अन्य से अलग है पूरे ग्रुप का, एंड रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड और जनन के तौर पर वो अलग हैं। आइसोलेटेड मतलब सबसे अलग कर दिए गए हैं विद सिमिलर इसेंशियल मार्फोलॉजिकल ट्रेट्स, जिनमें सिमिलर और वास्तविक मार्फोलॉजिकल ट्रेट्स, मार्फोलॉजिकल मतलब आकार की जो देखने में समान है। तो कहने का मतलब ये है सीधी सीधी भाषा में कि जैसे मनुष्य है तो मनुष्य में जो है क्या है कि सारे मनुष्य एक जैसे दिखते हैं, तो पूरे मनुष्यों की जनसंख्या को पॉपुलेशन कह देंगे और एक अकेले मनुष्य को इंडिविजुअल कह देंगे। तो ये जेनेटिकली डिस्टिंक्ट है मतलब अन्य जीवों से इनका जीन अलग है, और रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड और जनन के तौर पर सबसे अलग है मतलब मनुष्य मनुष्य के साथ रिप्रोडक्शन कर सकता है, ब्रीड कर सकता है, इसी प्रकार अन्य जो जातियां हैं वो अन्य जातियों के साथ ब्रीड करके अपनी संतानें उत्पन्न कर सकती हैं। स्पीसीज इज आल्सो ए जेनेटिकली क्लोज्ड सिस्टम। जो जाति है हमारी वो जेनेटिकली एक क्लोज सिस्टम है बिकॉज इट्स मेंबर डू नॉट इंटरब्रीड विद मेंबर ऑफ अदर स्पीसीज। बिकॉज क्योंकि इसके जो मेंबर हैं इसके जो सदस्य हैं डू नॉट इंटरब्रीड, वो किसी दूसरी जाति के सदस्य के साथ जनन नहीं कर सकते। डू नॉट इंटरब्रीड विद मेंबर ऑफ अदर स्पीसीज, दूसरी जाति के सदस्यों के साथ वो जनन नहीं कर सकते। तो 17 का हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो स्पीसीज आर कंसीडर्ड एज रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर एंड कंपेयर्ड टू जीनस। तो जीनस कह रहा है कि जो चार ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा लेस जनरल है मतलब कम जनरलाइज है इन कैरेक्टर एज कंपेयर टू जीनस, जीनस के कैरेक्टर की तुलना में।
तो जीनस के नीचे स्पीसीज आती थी, स्पीसीज फिर उसके ऊपर जीनस था, जब हमने आरोही क्रम एनसीईआरटी में पढ़ा था, तो सबसे नीचे स्पीसीज यानी जाति थी, उसके ऊपर जीनस यानी वंश था। तो स्पीसीज नीचे है जीनस से, इसलिए ये लेस जनरल इन करेक्टर होगी, इसलिए 18 का ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर देखिए लिखा है ए टेक्सोनॉमिक हायरार्की इज द सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी इन ए डिसेंडिंग ऑर्डर ड्यूरिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो यही कह रहा है कि ये टेक्सोनॉमिक हायरार्की, मतलब हमने जो टेक्सोनॉमी के लिए एक चार्ट बनाया था, टेबल बनाई थी, तो कह रहा है कि इज द सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, उसमें एक सीक्वेंस के हिसाब से टेक्सॉन को की कैटेगरी को अरेंज किया गया है इन ए डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में, मतलब स्पीसीज सबसे छोटी है तो सबसे नीचे है, किंगडम सबसे बड़ा है तो सबसे ऊपर रखा गया है, डिसेंडिंग ऑर्डर ड्यूरिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जब हम किसी जीव का वर्गीकरण करते हैं। देयर आर सेवन ऑब्लिगेट कैटेगरीज, ऑब्लिगेट का मतलब ऑलवेज होता है, फैकल्टेटिव का मतलब समटाइम्स होता है, तो ऑब्लिगेट का मतलब ऑलवेज हमेशा, तो कह रहा है कि देयर आर सेवन ऑब्लिगेट कैटेगरीज, मतलब हमेशा के लिए सात इसमें कैटेगरी बनाई गई हैं। सबसे ऊपर किंगडम है, फिर डिवीजन है, फिर क्लास है, फिर ऑर्डर है, फिर फैमिली है, फिर जीनस है, फिर स्पीसीज है। कह रहा है स्पीसीज इज द लोवेस्ट कैटेगरी व्हाइल किंगडम इज द हाईएस्ट कैटेगरी, तो किंगडम सबसे ऊपर है, स्पीसीज सबसे नीचे है, तो किंगडम सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है और स्पीसीज सबसे लोवेस्ट कैटेगरी है। द नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर इज मैक्सिमम इन केस ऑफ ऑर्गेनिज्म प्लेस्ड इन द लोवेस्ट कैटेगरी, तो कह रहा है कि द नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर, जो कॉमन करेक्टर है, मिलते जुलते करेक्टर हैं, वो मैक्सिमम किस केस में होंगे, इन केस ऑफ ऑर्गेनिज्म प्लेस्ड इन द लोवेस्ट कैटेगरी, जो सबसे नीचे की कैटेगरी में होगा यानी स्पीसीज में, तो स्पीसीज के जो सदस्य हैं उनमें जो कॉमन करेक्टर हैं एक दूसरे के, वो सबसे ज्यादा मिलते जुलते होंगे। नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर डिक्रीजेज इन द राइजिंग कैटेगरी, और नंबर ऑफ जो कॉमन करेक्टर हैं, मिलते जुलते करेक्टर हैं, वो जैसे जैसे कैटेगरी में हम ऊपर जाएंगे, मतलब किंगडम की ओर, तो ये डिक्रीज यानी घटते जाएंगे। स्पीसीज आर द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑर्डिनरी मेथड एज ग्रुप एंड विच आर कंसिस्टेंटली एंड परसिस्टेंटली डिफरेंट फ्रॉम अदर ग्रुप बिकॉज दियर कैरेक्टर आर लेस जनरल, तो कह रहा है कि स्पीसीज आर द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जो हमारी जाति है यानी स्पीसीज है, वो व्यक्ति विशेष का सबसे छोटा ग्रुप है, विच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑर्डिनरी मेथड, जिसको हम ऑर्डिनरी मेथड द्वारा रिकॉग्नाइज मतलब पहचान सकते हैं, एस ग्रुप एंड विच ग्रुप में, जैसे कि ग्रुप में, एंड विच आर कंसिस्टेंटली एंड परसिस्टेंटली डिफरेंट फ्रॉम अदर ग्रुप्स, और ये परसिस्टेंट का मतलब हमेशा के लिए, तो एंड विच आर कंसिस्टेंटली एंड परसिस्टेंटली डिफरेंट फ्रॉम अदर, मतलब हमेशा के लिए इसको अदर एक ग्रुप में रखा जा सकता है, बिकॉज दियर करेक्टर आर लेस जनरल, क्योंकि इसके करेक्टर कुछ कम सामान्य है। अब देखिए 19वां क्वेश्चन है, कह रहा है टेक्सॉन इज द यूनिट ऑफ ए ग्रुप ऑफ, टेक्सॉन जो है वो किस ग्रुप का यूनिट है, तो टेक्सॉन उसका नाम ही है टेक्सोनॉमी, टेक्सॉन टेक्सोनॉमी। देखिए यहां पर सॉल्यूशन दिया गया है, टेक्सॉन रिफर्स टू ऑल द कैटेगरीज इन द टेक्सोनॉमिक हायरार्की, जितनी भी कैटेगरी हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की में, मतलब हमने जो पदानुक्रम बनाया है, हायरार्की का मतलब पदानुक्रम टेक्सोनॉमी में, मतलब जब वर्गीकरण किया है पौधों या जंतुओं का, जैसे पहले किंगडम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज, इसको क्रम से याद कर लीजिए, तो कह रहा है टेक्सॉन रिफर्स टू ऑल द कैटेगरी इन द टेक्सोनॉमिक हायरार्की, टेक्सॉन को हम जितनी भी कैटेगरी टेक्सोनॉमिक पदानुक्रम में दी गई हैं उनको
उन्हीं को टेक्सान कह सकते हैं। कराइट मे बी ए किंगडम, ये हो सकती हैं, किंगडम हो सकती है, क्लास हो सकती है, आर्डर हो सकती है, फैमिली हो सकती है, जीनस हो सकती है या फिर स्पीसीज हो सकती है। इट इज एनी लेवल ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, इनमें से कोई भी लेवल का ऑर्गेनिज्म की ग्रुप हो सकती है। ईच ऑफ दिस कैटेगरी हैज बीन डिवाइडेड फर्दर इंटू इंटरमीडिएट कैटेगरी, ये जितने भी कैटेगरी हैं इनको फिर से मध्य कैटेगरी में यानी इंटरमीडिएट कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। लाइक सब किंगडम, जैसे कि सब किंगडम, किंगडम से छोटा सब किंगडम, सब डिवीजन, सुपर क्लास या सब जीनस या सब स्पीसीज एटसेट्रा, इन सब में डिवाइड कर सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। हमने बताया था कि एक क्रम याद कर लीजिए, चाहे आरोही चाहे अवरोही। तो हमारी एनसीईआरटी में आरोही क्रम दिया है, यानी स्पीसीज सबसे नीचे है, फिर उसके ऊपर बढ़ते बढ़ते सबसे ऊपर किंगडम हो गया। तो हमको एक क्रम याद कर लेना है, जिस हिसाब से पूछे उसको आंसर देना। हमने बताया था कि एनसीईआरटी में जो दिया गया है ये नीट में पूछा जरूर जाएगा, तो वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज, तो सीक्वेंस कौन सा, तो सबसे ऊपर हमारा डिवीजन था, फिर उसके बाद क्लास था, फिर आर्डर था, फिर फैमिली थी, फिर ट्राइब था, फिर जीनस था, फिर स्पीसीज था। या नीचे से शुरू करें तो सबसे नीचे जीनस स्पीसीज था, फिर जीनस ट्राइब फैमिली आर्डर क्लास डिवीजन। और हमने बताया था कि इसको याद कर लीजिएगा, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए कि सबसे ऊपर डिवीजन होता है, फिर क्लास, फिर आर्डर, फिर फैमिली, फिर ट्राइब, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। तो ये क्रम हमारा सी वाला सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द टर्म फाइलम वाज गिवन बाय, तो द टर्म फाइलम वाज गिवन बाय हीकल, तो हीकल ने टर्म फाइलम दिया था, इनको याद रखना, टर्म फाइलम हीकल ने दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, ए ग्रुप ऑफ प्लांट और एनिमल विच सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एनी रैंक, तो 22 का हमारा डी हो जाएगा, ए ग्रुप ऑफ प्लांट और एनिमल विद सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एनी रैंक। कह रहा है कि किसी भी रैंक पर, कह रहा है कि जो प्लांट या एनिमल है उनमें सिमिलर कैरेक्टर होते हैं किसी भी रैंक पर, एनी रैंक। तो मतलब हमने बताया था कि किंगडम, क्लास, आर्डर, जीनस, स्पीसीज जो भी दिए गए हैं ट्रेट वगैरह, तो किसी भी, इनको सबको रैंक बोल सकते हैं, और किंगडम भी एक रैंक हो सकता है, आर्डर भी, क्लास भी, इसी तरह। तो कह रहा है एनी रैंक, तो पूरे को हम लोग जब क्लासिफाई करते थे तो टेक्सान कहते थे, तो इसका आंसर हमारा टेक्सान हो जाएगा। तो ए ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल विद सिमिलर कैरेक्टर ऑफ एनी रैंक, एनी कह दिया, एनी वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट, एनी रैंक, तो सब आ जाएगा, तो स्पीसीज, आर्डर, जीनस सब आ जाएगा, तो टेक्सान में सब कुछ आता है, तो टेक्सान हमारा मोर करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन देख लेते हैं, कह रहा है ए टेक्सान प्लूरल टेक्सा, टेक्सान को प्लूरल मतलब बहुवचन में टेक्सा कहते हैं, आर टेक्सोनॉमिक यूनिट कहते हैं। इज ए नेम डिजिग्नेशन डिजिग्नेटिंग एन ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो डिजिग्नेटिंग का मतलब ये उसका करेक्टर बताता है, उसकी योग्यता बताता है कि ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। टेक्सान जो है ये टेक्सोनॉमिक यूनिट है, इसका बहुवचन टेक्सा है, और ये किसी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को बताता है, यानी एक जीवों के समूह को। ए टेक्सान इज असाइंड ए रैंक एंड कैन बी प्लेस्ड एट ए पर्टिकुलर लेवल इन ए सिस्टेमिक हायरार्की रिफ्लेक्टिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो कह रहा है कि टेक्सान इज असाइंड ए रैंक, एक रैंक बताता है, एंड कैन बी प्लेस्ड एट ए पर्टिकुलर लेवल, और इसको एक विशेष स्तर पर रखा गया है इन ए सिस्टेमिक हायरार्की, जो हम वर्गीकरण का पदानुक्रम है उसमें एक निश्चित लेवल पर रखा गया है। रिफ्लेक्टिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जो कि हमें
उसके विकासशील रिलेशनशिप को बताता है। इवोल्यूशनरी मतलब विकासशील रिलेशनशिप को बताता है। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ए टेक्सॉन इज, फिर देखिए वही क्वेश्चन पूछ लिया, ए टेक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। ऊपर प्रश्न में पूछा था, प्रश्न में लिखा था, उत्तर बताना था, अब उत्तर लिख दिया, प्रश्न पूछ रहा है। तो ए टेक्सॉन इज ए टेक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग, तो 23 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन कह रहा है, बेसिक यूनिट आर स्मॉलेस्ट टेक्सॉन ऑफ टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन इज, तो हमने बताया था कि बेसिक यूनिट या स्मॉलेस्ट टेक्सॉन, सबसे छोटी क्या है स्पीसीज, सबसे बड़ा क्या है किंगडम, तो सबसे बेसिक यूनिट क्या हो जाएगी स्पीसीज। तो 24 का यह ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको देख लेते हैं, तो कह रहा है बेसिक यूनिट आर स्मॉलेस्ट टेक्सॉन, सबसे आधारभूत इकाई या सबसे छोटा टेक्सॉन ऑफ टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन इज स्पीसीज। टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन में सबसे बेसिक यानी आधारभूत या सबसे छोटी इकाई हमारा स्मॉलेस्ट टेक्सॉन हमारा स्पीसीज है। स्पीसीज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, स्पीसीज एक ग्रुप है जीवों का, व्यक्ति विशेष का, दैट रिसेम्बल वन अनदर इन ऑल इसेंशियल मॉर्फोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव करेक्टर, जिनमें सारे जरूरी मॉर्फोलॉजिकल और देखने वाले मतलब जो बाहर से दिखाई देते हैं एंड रिप्रोडक्टिव जो उसमें जनन के लिए आवश्यक करेक्टर हैं वो सारे मिलते जुलते हैं एक तरह से, सो दैट दे आर एबल टू इंटरब्रीड फ्रीली, इसलिए वो आपस में एक दूसरे से फ्रीली जनन कर सकते हैं एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, और जनन करने योग्य ऑफ स्प्रिंग यानी अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो ध्यान देना है कि जाति हम उसी को बोलेंगे, स्पीसीज उसी को बोलेंगे जिसके इंडिविजुअल यानी जो सदस्य हैं वो एक दूसरे से जनन कर सकें और जनन करने के बाद जनन योग्य संतानें पैदा कर सकें। ध्यान दीजिए, जनन योग्य संतानें पैदा कर सकें, जैसे कि घोड़ा और गधे से इंटरब्रीड से हिन्नी और डंकी दो तरीके के खच्चर पैदा होते हैं, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो वो संतानें नहीं पैदा कर सकते, खच्चर कहाँ संतानें पैदा करता है, इसलिए ये स्पीसीज में नहीं आएगा, क्योंकि घोड़ा और गधा अलग अलग स्पीसीज हैं, जातियाँ हैं, और उनका जनन किया गया तो खच्चर पैदा हुआ, तो वो बच्चा नहीं पैदा कर सकता, क्योंकि घोड़ा और गधा एक ही स्पीसीज यानी जाति के सदस्य नहीं थे। तो एक ही जाति के सदस्य तब कहेंगे जब वो आपस में जनन कर सकें और जनन कर ही ना सकें, इतना ही परिभाषा नहीं है, जनन करके जनन योग्य संतानें पैदा कर सकें, तो इसको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 25 देते हैं। स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज वाज पुट फॉरवर्ड बाई, तो स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज किसने दिया था, लिनियस ने दिया था। स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज वाज पुट फॉरवर्ड बाय लिनियस। अब ये सब चीजें याद करने की हैं, आपको याद करना पड़ेगा। तो स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज वाज पुट फॉरवर्ड बाय लिनियस, तो 25 का हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। देखिए याद करना है इसलिए उसने व्याख्या भी नहीं की। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मैच द आइटम गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद दोज इन कॉलम सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो, तो कह रहा है कि दो कॉलम दिए गए हैं, इनको आपस में मैच करना है और जो सही है उसको हमें सेलेक्ट करना है। तो 26 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, तो इसको देखते हैं, मैच कर लेते हैं 26 का डी। तो डी में देखिए ए का पहला, ए का सेकंड मैच किया है, तो ए का सेकंड, अब देख लेते हैं इसको। हर्बेरियम, हमने पढ़ा था हर्बेरियम के बारे में कि एक फाइल बनाई जाती है उसमें पौधों या जंतुओं, पौधों के केवल, हर्बेरियम मतलब हर्ब, हर्ब मतलब झाड़ी होता है, और हर्ब इसको हरा से भी याद कर सकते हैं। तो ए लिस्ट दैट इन्यूमरेट मैथोडिकली ऑल द स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एडिंग आइडेंटिफिकेशन, तो
तो जितनी भी स्पीसीज हमारे एरिया में हैं उनके ब्रीफ आइडेंटिफिकेशन, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मतलब बहुत अच्छे से व्याख्या करने के लिए इनको जो है इन्यूमरेट मैथोडिकली, मतलब किसी एक निश्चित मेथड से लिस्ट बनाकर इसको इन्यूमरेट करते हैं, मतलब एक तरह से सीरियल में लगा करके इसको रखते हैं। गलत पढ़ रहे हैं हम लोग, डी ऑप्शन हमको करेक्ट किया गया, तो ए का थर्ड है, तभी तो हम सोच रहे हैं कि ये हेरा उसका तो है नहीं, ए का थर्ड सही है हमारा, ये डी ऑप्शन करेक्ट, तो ए का थर्ड है हर्बेरियम का, ये नहीं है जो हमने बताया वो सही है। तो ए का थर्ड देखते हैं क्या लिखा है, इज ए प्लेस्ड हुए ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेन माउंटेड ऑन सीट एयरक्राफ्ट, ये सही है। तो भाई हमने बताया कि हर्बेरियम में क्या था कि हम कोई पौधा था उसकी पत्ती या उसका कोई भाग ले करके एक फाइल में सुखा करके रख देते थे और उसमें रखने वाले का नाम, पौधे का नाम, उसका वैज्ञानिक नाम और जिस क्षेत्र में पाया जाता है उसका लोकल नाम सब लिख करके और डेट डाल करके उसको रखते थे। तो थर्ड ऑप्शन सही है, इज ए प्लेस वेयर ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट, इनको सुखा करके उसको प्रेस मतलब दबा करके प्लांट का स्पेसिमन मतलब कोई भाग माउंटेड ऑन सीट एयरक्राफ्ट, किसी सीट यानी फाइल आइल पर या सीट पर कोई पेपर की सीट थे उस पर रख दिया जाता है। तो ए का थर्ड हो गया, बी का हमारा फोर्थ सही है। बी देखते हैं, की के बारे में हमने पढ़ा था कुंजी, तो बी का फोर सही है, ए बुकलेट कंटेनिंग ए लिस्ट ऑफ करेक्टर एंड दियर अल्टरनेट्स विच आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टेक्सा। हमने बताया था कि चाबी का मतलब होता है, की का मतलब कि कोई ताला हो तो उस ताले से कोई स्पेशल चाबी होती उसी से वो खुलता, तो कुछ ऐसे स्पेशल करेक्टर होंगे जो अन्य प्लांट एनिमल से भिन्न होंगे जो हमें उसके बारे में बता सकेंगे। तो वही कह रहा है बुकलेट कंटेनिंग ए लिस्ट ऑफ करेक्टर, एक बुकलेट बनाते हैं जिसमें बहुत सारे उसके करेक्टर वाले या लक्षण वाले लिस्ट होगी एंड दियर अल्टरनेट विच आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टेक्सा, और उसके क्रम से समझ करके हम लोग किसी वेरियस मतलब विशेष टेक्सा को आइडेंटिफाई या पहचान सकते हैं। सी का फर्स्ट सही है, सी देखते हैं म्यूजियम, म्यूजियम में प्लांट और एनिमल दोनों के स्पेसिमेन रखे जाते थे। तो ये इट इज ए प्लेस्ड हैविंग ए कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल, बताया था ना कि प्लांट और एनिमल दोनों प्रिजर्व मतलब उसमें संरक्षित करके रखे जाते हैं प्लांट और एनिमल के पार्ट। अब देखिए डी का हमारा सेकंड सही है, तो डी में क्या कह रहा है, कैटलॉग क्या होता है कैटलॉग, तो डी का सेकंड सही है, ए लिस्ट दैट इन्यूमरेट मैथमेटिकली या मेथोडिकली ऑल द स्पेसीज फाउंड इन एन एरिया, एक एरिया विशेष में पाए जाने वाले जितने भी स्पीसीज हैं उनको मेथोडिकली मतलब किसी मेथड से इन्यूमरेट करेंगे मतलब प्राप्त करेंगे इन एन एरिया विच विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एडिंग आइडेंटिफिकेशन, और उसके मतलब बहुत अच्छे से व्याख्या करके कि जैसे नीम का पेड़ है तो उसके सारे गुण लक्षण लिख करके उसको उस एरिया से इन्यूमरेट कर लेंगे और उसको रख लेंगे और उसका आइडेंटिफिकेशन बहुत अच्छे से करेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कैटलॉग। तो हमारा 26 नंबर क्वेश्चन भी हो गया, अब 27वां देखते हैं, द लेबल ऑफ ए हर्बेरियम सीट डज नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन, हमने बताया था कि पूछा जाएगा डज नॉट, ध्यान दीजिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है उसको समझ लीजिए, अगर समझ नहीं पा रहा है तो गड़बड़ हो जाएगा। डज नॉट कह रहा है जो दिए गए इनमें से कौन सा गलत है, तो हाइट ऑफ द प्लांट, हम जब पढ़ा रहे थे हर्बेरियम तब बताया था कि एनसीईआरटी में ये चीज है और ये इस तरह घुमा के पूछेगा, तो जो हर्बेरियम पाल में हम लोग लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, प्लांट का नाम लिखते हैं, कहाँ से प्राप्त किए गए उसका वैज्ञानिक नाम लिखते हैं, उसका लोकल नाम लिखते हैं, जो प्राप्त किया है उसका नाम लिखते हैं,
ये सब लिखते हैं लेकिन हाइट ऑफ प्लांट, प्लांट की ऊंचाई नहीं लिखते हैं। तो वही कह रहा है डज नॉट कैरी, मतलब हर्बेरियम फाइल के लेबल में क्या नहीं लिखते हैं या किसको नहीं रखते हैं, तो हाइट ऑफ प्लांट को नहीं रखते हैं। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ए हर्बेरियम इज ए कलेक्शन ऑफ प्लांट विच हैव बीन ड्राइड प्रेस्ड माउंटेड ऑन हर्बेरियम सीट। जो हर्बेरियम है हमारा वो प्लांट का कलेक्शन है, मतलब इकट्ठा किया गया पौधों का समूह है। विच आर हैव बीन ड्राइड, जिसको सुखा लेते हैं, प्रेस मतलब दबाते हैं, माउंटेड मतलब उसको एक फाइल में रखते हैं, ऑन हर्बेरियम सीट, हर्बेरियम सीट उसको बोलते हैं। आइडेंटिफाइड एंड क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू सम अप्रूव्ड सिस्टम ऑफ क्लासीफिकेशन, और उसको पहचानते और वर्गीकृत करते हैं एक प्रूव्ड सिस्टम ऑफ वर्गीकरण के आधार पर। द स्टोरेज ऑफ हर्बेरियम सीट फॉर्म ए रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज, उसको इस तरह से स्टोर करते हैं कि हमें भविष्य में उसका इस्तेमाल करने को मिल सके। ए प्रिंटेड लेबल 7x12 cm गिविंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, एक प्रिंटेड लेबल उसमें लगाते हैं 7x12 cm का मतलब 7 cm चौड़ाई 12 cm लंबाई, और उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है इज फिक्स ऑन द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ हर्बेरियम सीट, नीचे के दाहिने कॉर्नर पर इतने भाग में इन्फॉर्मेशन लिख दी जाती है जो भी हम हर्बेरियम फाइल में प्लांट रखते हैं। और उसमें क्या लिखते हैं, साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट, प्लांट का वैज्ञानिक नाम लिख देते हैं, कॉमन वर्नेकुलर नेम जो वहाँ लोकल उसका नाम होता है, सामान्य नाम से पुकारा जाता है उसका वो नाम लिखते हैं, फैमिली का नाम लिखते हैं, लोकलिटी कहाँ पर कॉमन उस किस तरह बुलाया जाता है, जैसे हम अपने क्षेत्र में नीम को नीम कहते हैं तो कहीं दूसरी तरह उसको दूसरे नाम से बुलाया जा सकता है। डेट ऑफ कलेक्शन, कब उसको इकट्ठा किया गया, कलेक्शन नंबर कौन से नंबर में, बहुत सारी फाइल रहेंगी तो उसमें नंबर डाल देते हैं कौन सी फाइल है। नेम ऑफ कलेक्टर, किसने उसको इकट्ठा किया है। प्लांट कैरेक्टरिस्टिक ऑप्शनल, प्लांट के कैरेक्टर यानी लक्षण लिखने हैं या ऑप्शनल है, मतलब लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑप्शनल, ये भी ऑप्शनल है कि किस संस्था में हमने उसको रखा है या कहाँ से प्राप्त किए, ये भी ऑप्शनल है किस संस्था में रखना है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, आप संस्थान का नाम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कॉमन या वर्नाकुलर नेम आ गया है, वर्नाकुलर का मतलब देसी भाषा या स्थानीय भाषा, किस नाम से वहां पुकारा जाता है। तो ये सब चीजें हम लोग हर्बेरियम फाइल में लिखेंगे। अब 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, फिर देखिए पूछा ऐसे ही आपसे पूछेगा, गलत पूछेगा आप सही लगा के चले आएंगे, तो नॉट को ध्यान देना। तो पहला है ए म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ ऑफ प्लांट एंड एनिमल, गलत। म्यूजियम में क्या रखते थे, म्यूजियम अभी पीछे पढ़ा है हमने, म्यूजियम में हम लोग फोटोग्राफ नहीं रखते थे प्लांट और एनिमल के, उसमें उसके स्पेसिमेन रखते थे, प्रिजर्व करते थे उसके पार्ट को किसी प्लांट एनिमल के। तो पहला ही ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, बाकी सही है, बाकी जो सही है उनको भी पढ़ लेते हैं। तो कह रहा है की इज ए टैक्सोनॉमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमन, जो कुंजी होती है वो टैक्सोनॉमिक एड है, मतलब टैक्सोनॉमी मतलब वर्गीकरण को सही से बताने के लिए एक हमारे पास रास्ता है, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमन, जो कि स्पेसिमन को आइडेंटिफाई करेगा। स्पेसिमन मतलब जो टुकड़ा हमने लिया है किसी पौधे या किसी चीज का। हर्बेरियम हाउसेज ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमन, जो हर्बेरियम हाउस हमारा उसमें सुखाए गए, दबाए गए और प्रिजर्व मतलब संरक्षित किए गए प्लांट स्पेसिमन होते हैं। बोटेनिकल गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस, बोटेनिकल गार्डन मतलब जैसे हमने बताया था उसका नाम ही है गार्डन, और बोटनी मतलब वनस्पति, तो गार्डन मतलब प्लांट, तो प्लांट जो होते हैं
जीवित प्लांट, लिविंग प्लांट हम लोग बोटेनिकल गार्डन में रखते हैं, ये सब सही है, लेकिन ए वाला एक गलत है। म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल होना चाहिए, फोटो नहीं रखी जाती है, इसलिए ये गलत हो गया। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। म्यूजियम हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। तो जो हमारे पास म्यूजियम है इसमें प्रिजर्व प्लांट और एनिमल रखते हैं स्टडी के रेफरेंस से। स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व इन द कंटेनर आर जार इन प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन। जो स्पेसिमेन हमारे पास होते हैं, जो अंग होते हैं पौधों जंतुओं के, उनको हम लोग जार में रखते हैं जिसमें एक प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन मतलब उसको संरक्षित करने वाला विलयन भरा रहता है। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन में आल्सो वी प्रिजर्व एस ड्राई स्पेसिमेन। तो पौधे और जंतुओं के जो अंग हैं उनको हम लोग सुखा करके भी रख सकते हैं ड्राई स्पेसिमेन के रूप में। इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्स आफ्टर कलेक्टिंग किलिंग एंड पिनिंग। जो हमारे पास कीट पतंगे हैं उनको रखने के लिए हम लोग बॉक्स का जो इस्तेमाल करते हैं उसमें पहले उनको मार दिया जाता है इकट्ठा करने के बाद और पिन लगा करके उनको रखा जाता है। लार्जर एनिमल लाइक बर्ड एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्स एंड प्रिजर्व। जो बड़े बड़े एनिमल होते हैं उनको पहले स्टफ्ड कर दिया जाता है इसके बाद प्रिजर्व किया जाता है। म्यूजियम ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल टू। जो म्यूजियम होता है उसमें हम लोग एनिमल के कंकाल तंत्र को भी प्रिजर्व करते हैं। अब यहां पर देखिए यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व कह रहा है बर्ड एंड एनिमल लार्जर जो बड़े बड़े हैं उनको ऐसे भर दिया जाता है। स्टफ्ड मतलब भरना। अब 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बोटेनिकल गार्डन इज दैट। जो बोटेनिकल गार्डन है हमारे पास उस बोटेनिकल गार्डन का सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन मतलब कार्य क्या है। तो इसका सी ऑप्शन देखिए करेक्ट है। दे अलाउ इक्सीटू कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म मतलब जीवों का जनन पदार्थ, जीव और पौधे कुछ भी हो सकते हैं। तो कह रहा है दे अलाउ इक्सीटू कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म। अब यहां पर देखिए एक्स सी टू कंजर्वेशन वर्ड यूज हुआ है। एक्स सी टू का मतलब एक्स का मतलब एक्स्ट्रा, तो उसके प्राकृतिक जो उसका प्राकृतिक वातावरण है उससे हटकर अलग उसको कंजर्व यानी संरक्षित किया गया है। तो एक्स सी टू कंजर्वेशन का मतलब उसके प्राकृतिक संरक्षण से अलग हटा करके संरक्षित करना जनन द्रव्य को जो भी पौधे या जंतुओं का है। तो भाई कह रहा है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। फंक्शन तो सारे हैं बट मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है बोटेनिकल गार्डन का, वो ये है कि दे अलाउ एक्स टू कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म को उसके प्राकृतिक वातावरण से हटाकर अलग उसको कंजर्व कर लेते हैं। बोटेनिकल गार्डन का ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फंक्शन सारे हो सकते हैं बोटेनिकल गार्डन के, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट हमसे पूछ रहा है इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट। तो 29 का आंसर देख लेते हैं। एक सी टू कंजर्वेशन मींस ऑफ साइट कंजर्वेशन। ऑन साइट मतलब जो उसका वातावरण है, ऑफ साइट मतलब जहां पर वो हैबिटेट प्लांट नहीं रह रहा है। इट इज द प्रिजर्व ऑफ प्रोटेक्टिंग इन लार्ज स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स बाय रिमूविंग इट फ्रॉम एन अनसेफ आर थ्रेटेंड हैबिटेट एंड प्लेसिंग इट आर पार्ट ऑफ इट अंडर द केयर ऑफ ह्यूमन। ये कह रहा है कि वो जो पौधा या जंतु है वो जहां पर भी है, बोटेनिकल गार्डन है तो इसको तो पौधा ही होगा, इसमें कंजर्व किया जाएगा, जंतु नहीं आएगा, गार्डन में तो पौधे ही हैं, तो उसमें क्या कहेगा प्लांट एंड एनिमल इसमें दोनों रहेंगे, क्योंकि जैसे हम लोग चिड़ियाघर में जाते हैं तो पौधे भी होते हैं एनिमल भी होते हैं। तो ये कह रहा है कि
इसको ऑफ साइट कंजर्वेशन बोलेंगे, मतलब जहां यह है वास्तविक वहां से अलग साइट पर। और वहां से लाया क्यों गया, इसलिए क्योंकि वहां पर इसके जीवन को खतरा था। वो स्थान ऐसा था कि जहां पर उस जीव जंतु को या पौधे को खतरा था, इसलिए वहां से रिमूव करके फ्रॉम एन अनसेफ और थ्रेटेंड हैबिटेट, जो अनसेफ था और खतरे से भरा हुआ हैबिटेट था, आवास था उस पौधे का, वहां से निकाल करके दूसरी जगह ले आया गया सेफ जगह पे, और केयर ऑफ ह्यूमन मतलब मनुष्य की देखरेख में। बोटेनिकल गार्डन सर्व एज इक्सीटू कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट टू मेंटेन रेयर एंड एंडेमिक प्लांट स्पीसीज एंड आल्सो टू प्रोवाइड रिक्रिएशन एंड नॉलेज अबाउट प्लांट टू ए कॉमन मैन। कुल मिलाकर के वहां से निकाल के ले आएंगे और मनुष्य की देखरेख में उसका संरक्षण किया जाता है। इंडेमिक का मतलब उसका वास स्थान, एपिडेमिक का मतलब उससे बाहर। तो इंडेमिक मतलब स्थानीय, जैसे स्थानीय नाम होता है वैसे इंडेमिक प्लांट मतलब एक निश्चित स्थान पर रह रहे हो, दूसरी जगह वो ना पाए जाते हो, तो इनको इंडेमिक कहेंगे। एपिडेमिक मतलब जो हर जगह फैला हुआ हो। तो वही कह रहा है एक सीटू कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, विभिन्न प्रकार के पौधे के उनके वास स्थान से अलग हम उसके जर्म प्लाज्मा यानी जन धर्म को कंजर्व यानी संरक्षित करते हैं। टू मेंटेन रेयर एंड एंडेमिक प्लांट, जो रेयर मतलब जो कम पाए जा रहे हैं, और स्थानीय प्लांट है जो एक निश्चित स्थान में पाए जा रहे हैं, कि अगर वो स्थान खत्म कर दिया जाए तो वो पूरे खत्म हो जाएंगे, तो उनको बचाने के लिए हम लोग एक सीटू कंजर्वेशन करते हैं। एंड आल्सो टू प्रोवाइड रिक्रिएशन एंड नॉलेज अबाउट प्लांट टू ए कॉमन मैन, और एक व्यक्ति विशेष को या व्यक्तियों को हम लोग उसके बारे में नॉलेज देते हैं और बताते हैं उस पौधों के बारे में। तो ये हमारा 29वां क्वेश्चन हो गया। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इन द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज व्हिच हायरार्कियल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर इज करेक्टली इन केस ऑफ एनिमल। देखिए फिर वही पूछ लिया कि क्रम कौन सा है। कह रहा है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हायरार्कियल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब आरोही क्रम में, नीचे छोटा फिर ऊपर बड़ा। तो पहला वाला देखिए हमारा पहला ही सही है, सबसे बड़ा ऊपर है किंगडम, फिर उससे छोटा फाइलम, फिर उससे छोटा क्लास, फिर उससे छोटा ऑर्डर, फिर उससे छोटा फैमिली, फिर उससे छोटा जीनस, सबसे छोटा स्पीसीज। तो स्पीसीज को सबसे नीचे रखा गया है और सबसे ऊपर किंगडम को। तो ये हमारा असेंडिंग यानी आरोही क्रम हो गया। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको देख लेते हैं, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन क्या है यानी व्याख्या क्या है, किंगडम फिर फाइलम फिर क्लास फिर ऑर्डर फिर फैमिली फिर जीनस फिर स्पीसीज इज करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम सही है ऑफ हायरार्कियल अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, मतलब पदानुक्रम में जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है उनको इस प्रकार से अरेंजमेंट किया गया है। इन्हीं को टैक्सॉन बोलेंगे, जैसे किंगडम फाइलम क्लास ये सब अरेंजमेंट किया गया है। तो यही हमारा इतने ही क्वेश्चन थे, अभी चैप्टर खत्म हो गया। अब इसके बाद आगे हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे।